मारेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मारेश जी, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास एट वालों के लिए एक्सरसाइज 4.2 में मैथ्स में आगे बढ़े मारेश जी। इसके पहले के सारे क्वेश्चन होमवर्क लग गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सअप पे कमेंट कर पूछ सकते। और अगर विजुअल है, आइए फैक्टराइज करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से, ये ऐसे ये दिए, इसको फैक्टर करना है। तो पहले बता दें मैंने उसे, फैक्टर का मतलब क्या होता है, इनटू के रूप में तोड़ना है। क्या रूप में तोड़ना है मैडम, इनटू के रूप में, माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए, तो माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, तो हम अब देखिए, अब आपके सामने कॉम्प्लिकेट आएंगे। एक सवाल समझिए, अब आप पहले दो को ले, अंतिम दो को ऐसे लेंगे तो इसमें कुछ कामन नहीं मिलेगा। इसमें ए प्लस एक्स मिलेगा, इसमें भी ए प्लस है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चाहे आप पहले दो में से कामन लीजिए, चाहे अंतिम दो से कामन लीजिए, चाहे पहले और दूसरे को एक साथ लिखिए, चाहे पहले तीसरे को एक साथ लिखिए, चाहे पहले दूसरे को लीजिए, चाहे पहले तीसरे के साथ लीजिए, या पहले चौथे के साथ लीजिए, लेकिन ऐसा लीजिए कि दोनों में कामन मिले। तो हम पहला और चौथे को एक साथ ले रहे हैं, आप दूसरा और तीसरे के साथ लीजिए। देखिए, माइनस ए कामन करेंगे, तो देखिए जब कामन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, फिर माइनस बी एक्स, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो मैक्सिमम एक्स है, कामन लेंगे एक्स, इसमें एक्स है, इसमें एक्स स्क्वायर। ठीक है मैडम से, तो इसमें पावर एक बार, इसमें पावर दो बार, तो मैक्सिमम कितना है, एक बार, हम एक बार कामन लेंगे। इसमें बी है नहीं, तो जो कामन है उतना लेंगे। माइनस ए कामन लेंगे तो एक्स माइनस बी, फिर इसमें से एक्स कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा बी माइनस एक्स। अब अभी यहाँ एक्स माइनस बी, यहाँ बी माइनस, अब यहाँ से हम फिर माइनस कामन कर लें। ठीक है मैडम से, यहाँ से हम यहाँ पे हम माइनस कामन करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, यानी माइनस एक्स प्लस बी। अब ये माइनस ए हो गया। ठीक है मैडम सेन, अब ए इंटू बी माइनस, माइनस एक्स इंटू बी माइनस, अब कामन हो गया मैडम सेन। ठीक है, तो ये माइनस था तो कामन ले ले तो प्लस हो गया। अब दोनों में क्या कामन, माइनस एक्स ले, अब चाहे माइनस एक्स प्लस बी कहिए, चाहे बी माइनस एक्स कही, बात एक ही है, तो बी माइनस एक्स। अब दोनों में बी माइनस एक्स कामन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए यहाँ बचेगा, तो ये वह फैक्ट। अभी भी चूंकि बुक्स, ये भी आंसर सही है, बट बुक में देखिए ये आंसर लिया है, तो हम इस फॉर आंसर लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से माइनस कामन कर लीजिए और यहाँ से माइनस कामन कर लीजिए, तो माइनस वाला प्लस होगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स माइनस है इंटू एक्स। अगर आप यहाँ भी छोड़ेंगे भी आंसर है, यहाँ भी छोड़ेंगे, लेकिन बुक में अगर यहाँ दिया तो यहीं छोड़। ठीक मैंने, अगर ये बात समझ गए तो इसी टेक्निक से सारे क्वेश्चन इसी तरह पूरा ये एक्सरसाइज खत्म, अब प्रैक्टिकली लगा के खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर बी, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, तो पहले दो को एक साथ लीजिए, अंतिम दो को एक साथ, दोनों में क्या कामन है, पी क्यू कामन है, नहीं एक्स कामन है, तो एक्स कामन लेंगे, यहाँ बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे माइनस कामन, हम साइन भी कामन लेते हैं, माइनस कामन लेंगे, वाई कामन लेंगे, पी स्क्वायर, मतलब ऐसा कामन ले कि हमें दोनों में कुछ ना कुछ कामन मिले। अब चाहे साइन प्लस माइनस ले या ना ले, आपके मतलब ऐसे कामन लीजिए, मैक्सिमम कामन लीजिए कि दोनों में हमें कामन मिले, और तब तक हम कामन लेते रहेंगे जब तक कि हमें कामन मिलता जाएगा, और फाइनल में जो जब कामन नहीं मिलेगा तो वही आपका फाइनल फैक्टर। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह देखिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ बचा एक्स माइनस, बस अब बुक में ये आंसर लिखिए चाहिए, लेकिन बुक में अगर ये दिया ये, क्योंकि टू थ्री जा सिक्स कहिए चाहे थ्री टू जा, बात देखिए, तो ये भी आंसर से चाहिए, ऊपर वाला लिखिए चाहे नीचे वाला, देखिए बुक में अगर ये तो ये लिख। ठीक है, इसी तरह बाकी सी डी पार्ट होमवर्क सेम टू सेम इसी तरह कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सी, रिजॉल्व द फॉलोइंग फैक्टर्स, टेन भी इसी तरह करना है। देखिए, पहले दो फैक्टर को एक साथ लीजिए, अंतिम दो टर्म को एक साथ लीजिए। टेन थर्टी फाइव में क्या मैक्सिमम कमर मिलेगा, फाइव, और ए स्क्वायर एम, ए स्क्वायर यहाँ एक पावर, क्या मैक्सिमम कामन मिलेगा, ए, तो फाइव ए कामन मिलेंगे, यहाँ क्या बचेगा, टू ए प्लस एम। अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आए यहाँ क्या बचेगा, तो फाइव ए से इसमें डिवीजन दीजिए, आपको समझ में आएगा, टू ए फाइव ए से थर्टी फाइव ए में डिवीजन देंगे तो ए कट गया सेवन। ठीक है, अब इसी तरह इसमें मैक्सिमम क्या कामन मिलेगा, सिक्स और ट्वेंटी वन में एस सी एफ क्या होगा, थ्री, यानी जो एस सी एफ होता है वही कामन, थ्री। अब यहाँ बचे ए बी, यहाँ बी, तो क्या मैक्सिमम कामन लेंगे, ए बी, क्या कामन लेंगे मैडम से, यहाँ पे बी कामन लेंगे, यहाँ पे ए नहीं तो बी कामन लेंगे, तो थ्री बी, यहाँ क्या बचेगा, टू ए प्लस सेवन, टू ए प्लस सेवन कामन लेंगे, यहाँ बचेगा फाइव ए प्लस थ्री, फाइव ए प्लस थ्री बी, ए नहीं, फाइव ए प्लस थ्री बी। अब फाइव ए प्लस थ्री बी पहले लिखिए चाहे बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे टू थ्री जैसे चाहे थ्री। ठीक है मैडम, तो चूंकि बुक में अगर ये आंसर है तो आप यही पे आंसर छोड़िए, वैसे ये भी से ये भी, लेकिन बुक में ये छोड़ा भी। आइए क्वेश्चन नंबर बी, इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले दो को एक साथ लीजिए, अंतिम दो को एक साथ, इन दोनों में मैक्सिमम क्या कमा लेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में मैक्सिमम क्या कमा लेंगे, माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों में क्या कमन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कमा लेंगे, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा, तो ये आ गए। ठीक है,
अब चाहे इसको पहले लिखिए चाहे इसको बाद में, एक्स का माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे टू थ्री जैसे इसके थ्री टू। ओके मैं तो जितना मैंने क्वेश्चन करा दिया रब पे इसे आप हेयर पे कंप्लीट करते चलेगा, और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके, और हमेशा जिन बच्चों के पास बुक है वो बाकी पार्ट क्वेश्चन होमवर्क बुक से लगाएंगे, बट जिनके पास अभी तक बुक अवेलेबल नहीं हो पाया मैं वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन राइट करके क्वेश्चन। ओके मैंने तो लीजिए, मैंने एक्सरसाइज 4.2 का ए बी बता दिया, सी डी ई एफ जी एच आई जे सेम टू सेम इसी तरह कर लेंगे। ओके मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी मैंने बता दिया, इसी तरह सी डी ई एफ जी एच आई जे कर लेंगे, और इसी के साथ आज आपका एक्सरसाइज 4.2 खत्म हो जाता है मैडम से। और हम आपसे नेक्स्ट टाइम पे कल जब भी मिलेंगे एक्सरसाइज 4.3 है, इसमें भी सेम टू सेम 4.2 की जैसा है, कुछ डिफरेंट चीजें आएंगी मैं बताऊंगा, कुछ फॉर्मूले भी लगेंगे। अच्छा एडवांस होमवर्क दे रहे, लगाएगा लगाने को से आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम आपसे जब भी मिलेंगे एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। ओके मैडम, और 4.2 में जितना क्वेश्चन मैंने करा दिया बाकी पे कर लीजिएगा, बाकी जो सेम टू सेम इसी तरह सारे क्वेश्चन कर लेंगे, और कोई डाउट होगा तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके, और अगर नहीं जिन बच्चों के पास बुक है वो बाकी पार्ट क्वेश्चन बुक से लगाएंगे, बट जिनके पास अभी तक बुक अवेलेबल नहीं पाया मैंने वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे दिया हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन राइट करके क्वेश्चन सॉल्व। ओके मैं सेन, ओके मैं सेन, गुड मॉर्निंग विश यू ऑल बेस्ट, यू टर्न अप विद नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 एंड वंस अगेन जय।